हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के कप्तान किंग बाबर आजम की जर्नी दिखाएंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह से क्रिकेट में अपना करियर शुरू किया, ये आप खुद बाबर आजम के मुंह ही सुन लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। मैं बात करूँ तो 2007 से स्टार्ट हुई थी, मुझे शौक था क्रिकेट का और मुझे ये भी शौक था कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखना है, अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना है। तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका आई थी, तो मैंने किसी को बोल के कि मुझे बॉल पिकर लगवा दें, तो उन्होंने लगवा दिया। तो उस दौरान मैं फिर रोज़ गुलबर्ग से पैदल यहाँ पे आता था स्टेडियम, और मेरे ख्याल से रोज़े भी जहाँ तक ख्याल पड़ता है रोज़े भी चल रहे थे, रमज़ान था मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ तो वो कभी कभार रोज़ा भी रख लेना, तो वो लंच जो मिलना वो संभाल के रख लेना, शाम में वो उसको घर ले जाना कि चलो कोई खा लेगा, यहाँ मैं मुझे वहाँ पे मिल ही जाता था। तो वो चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती थी, और दूसरा क्रिकेट को एंजॉय करता था बॉल पिकर, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया कि बॉल पिकर नॉकिंग करवाते थे, मैंने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाता था, अपने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाना बॉल पकड़ने, तो बाउंड्री के मैच के दौरान बाउंड्री पे बॉल पकड़ने। तो उस दौरान इंजी भाई का सुनने में आ रहा था मैचेस, वो सीरीज से पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन था कि वो ये आखिरी मैच या उनका लास्ट मैच होगा, तो वो टेस्ट मैच चल रहा था तो उनको दो रन चाहिए था जवेद भाई का साउथ अफ्रीका सीरीज में 2007 में। तो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि जेपी डुमनी ने अब्दुल रहमान को, मुझे याद है कि एक निकल के शॉट मारी, मैं बाउंड्री पे था, तो वो मैं नीचे खड़ा हूँ, तो मैंने सिर्फ ऐसे आराम से कैच पकड़ा और मैंने ना फेंक दिया। तो वो उस दौरान मेरे ख्याल से एम्बिशन था, उसने थोड़े से वर्ड्स ये बोला था कि यार ये मुझे लगता है इसके कैच से कि ये कुछ ना कुछ बनेगा, तो वो मुझे आज तक याद है कि यार वो वर्ड्स उसने मेरे लिए बोले थे, तो उससे भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था। और उस दौरान मुझे ए बी डिविलियर्स बहुत पसंद था, तो उसको भी देख के मैं काफ़ी मतलब एक होता है ना फ़ैन के तौर पे, तो वो काफ़ी मैंने उस दौरान मैंने उस कोशिश की उसके आसपास वो देखूं वो क्या कर रहा है, वो कैसे बैटिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कैसे कर रहा है, तो वो मैं उसको देखता रहता था, उसको देखता हर जगह। अगर वो वार्म अप के दौरान मैं ना वो पाकिस्तान की तरफ नहीं, मैं ना साउथ अफ्रीका की टीम के पास ही रहता था कि यार वो हाँ वो बंदा क्या कर रहा है, तो उसको देख के ना काफ़ी उसको बूस्ट मिलती थी। देखें जब आप एक ड्रीम के पीछे जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं या आप उस चीज़ को ढान लेते हैं कि यार मैंने यहाँ पहुँचना है, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, आप छोटे गोल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना आप छोटे गोल्स को अचीव करेंगे आप बड़े गोल को अचीव कर लेंगे। और आपके सामने देखें, मैं बॉल पिकर था लेकिन मेरा एक गोल था कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में खेलना है, और अब आपके सामने देखें मैं एज अ कप्तान बैठा हूँ, आप सबकी भी दुआएं हैं, लेकिन मेरी हार्डवर्क और मेरा एक बिलीफ था, मेरा एक यकीन था कि मैं इसको अचीव कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।